नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद पांडे जी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि यदि कोई भी बिंदु O है, उस पर यदि दो या दो से अधिक बल यदि कार्य कर रहे हैं तो उसके मैग्नीट्यूड, उसका परिणाम और उसका दिशा जो है हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बिंदु O है, उस पर यदि हमारे पर दो बल P तथा Q, यहाँ पर P तथा Q कार्य कर रहे हैं जिसका परिणाम ही हमारा R है, तो इसी R रिजल्टेंट का हमको जो है मान पता करना है कि हमको कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, और ये को मैकेनिक्स के पेपर में 5 नंबर में फिक्स पूछे जाते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन पूछ देगा आर रिजल्टेंट, आपको फॉर्मूला डिराइव करना होगा। आर रिजल्टेंट का फॉर्मूला डिराइव करने के बाद उसका रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा, जो दिशा होगी इस परिणामी की, आर की, वो भी आपको फाइंड करने के लिए पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बिंदु ओ पर लगे हुए पी तथा क्यू, ये जो दो बल हैं, इसके परिणाम और दिशा को एक समांतर चतुर्भुज ओ ए सी बी की दो आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। बल पी तथा क्यू के बीच का कोण यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं कि अल्फा दिया गया है, ठीक, और यहाँ बल पी तथा क्यू का जो परिणामी है यहाँ पर आर दे दिया हुआ है। हम यहाँ पर पाइथागोरस के प्रमेय से हम ये जानते हैं कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के सम के इक्वल होता है, तो इसी फॉर्मूले से हमने ये लिख दिया ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब हम ये देखते हैं ओ डी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ई डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आगे इसको बढ़ाएंगे तो ओ डी के जगह पर हम कुछ नहीं कर रहे दोस्तों, ओ ए प्लस ई डी कर दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ओ ए प्लस ए डी का होल स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, हमने कुछ नहीं किया है। अब आपने 10th में तो एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा ही होगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर, जिसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। सेम और सेम इसको यदि हम ए सपोज कर लें, इसको हम यदि बी सपोज कर लें, तो हमारा जो है हम ये लिख सकते हैं कि ओ ए का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस टू इंटू ओ ए इंटू ए डी प्लस सी डी स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ से एकदम सिर्फ और सिर्फ बेसिक चल रहा है, ठीक। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने लिख दिया ओ ए स्क्वायर को एज इट इज ओ ए स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पर जो ए डी है इसकी वैल्यू दोस्तों देखिए, यहाँ पर ए डी इज इक्वल टू ए सी कॉस अल्फा यहाँ पर ऑलरेडी दी गई है, ठीक। तो AD के जगह पर हम क्या पुट अप कर देंगे, AC cos अल्फा यहां पर हम पुट अप कर देंगे और इसके स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखिए क्या होगा, OA OA into AD, ठीक है, ठीक। अब देखिए यहां पर हम क्या है, OA मल्टीप्लाइड बाई यहां पर AD, देखिए AD इज इक्वल टू AC cos अल्फा यहां पर हमको दिया हुआ है, तो हम यहां पर क्या पुट अप कर देंगे, AC cos अल्फा पुट अप कर देंगे प्लस यहां पर CD स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, अब ये होगा हमारा कि OC स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनली हमारा क्या निकला, OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय OA मल्टीप्लाइड बाय AC cos अल्फा प्लस CD स्क्वायर, यही तो हमारा निकला है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब यहां से हमको क्या करना है, अब यहां से हमको कुछ नहीं करना है, बस CD के जगह पर हमारा AC sin अल्फा को पुट अप कर देना है। तो जब CD के जगह पर हम AC sin अल्फा पुट अप करेंगे ना दोस्तों, तब हो जाएगा ये AC स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा, ठीक। अब हमको क्या करना है, AC स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा और AC स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा को एक जगह रख लेना है, उसके बाद देखिए हमको क्या मिलता है। तो देखिए हमको यहाँ पर OC स्क्वायर हो गया, यहाँ पर दोस्तों OA स्क्वायर को एज इट इज OA स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पर AC स्क्वायर हम यदि कॉमन कर ले, AC स्क्वायर ये देखिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस AC स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस 2 OA इंटू AC cos अल्फा, यहां से तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ यहां पर जो दो जगह AC स्क्वायर है ना, इसको हम AC स्क्वायर को हम यहाँ पे कॉमन कर लेंगे। तो जब हम AC स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे ना, तो हमारी जो है वो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में यहाँ पर हमारा आ जाएगा। हमने यहाँ से कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, AC स्क्वायर को हम कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे हमको मिल गया है sin cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। और हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1,
ठीक, तो अब हम इसको तो एज इट इज लिख सकते हैं ना, आप चाहे यहाँ पे वन लिखिए चाहे ना लिखिए, यहाँ पे कोई जो है इफेक्ट हमको नहीं आएगा वैल्यू पे। तब हम नीचे स्टेप में क्या लिख देंगे, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस टू ओ ए मल्टीप्लाइड बाई ए सी कॉस अल्फा। अब देखिए हमको यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू को हमने अब पुट कर दिया है। नाउ अब हम क्या करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया ओ सी स्क्वायर। अब देखिए सेम चीज, ओ ए की जगह पर हमने क्या लिखा है भैया, ओ ए की जगह पर क्या है हमारा फोर्स पी है, तो हम ये लिख देंगे पी का स्क्वायर प्लस ए सी की स्क्वायर की जगह पर क्या है मेरे भाई, ए सी स्क्वायर की जगह पर क्या है हमारा क्यू है, तो ये हमारा लिख दिए क्यू का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू है तो टू ऑल एडिटिज रहेगा, ओ ए की जगह पर क्या है मेरे भाई फिर पी है, फिर यहाँ पर इसी की जगह पर क्या है हमारे भाई क्यू है, और उसके बाद हमारा क्या आ जाता है कॉस अल्फा। तो हम ये ओ सी क्या है, ओ सी तो एक रिजल्टेंट आर है ना, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको फॉर्मूला मिला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस अल्फा। ये हमको फॉर्मूला मिल जाता है जहां पर रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई पी क्यू कॉस अल्फा। ये जो होता है हमारा, ये होता है यही रिजल्टेंट हमारा मिलता है, ये आर का जो रिजल्टेंट है जिस पर दो या दो से अधिक बल यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, तो इसी आर का यह रिजल्टेंट मिलता है, आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस अल्फा। तो यहां तक तो दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया कि एक यदि पॉइंट इस पर दो या दो से अधिक बल कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आता है। अब हम आगे आपको ये बताएंगे कि ये जो हमको रिजल्टेंट मिला दोस्तों, हमको रिजल्टेंट क्या मिला है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि रिजल्टेंट हमारा आर इज इक्वल टू मिला है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस अल्फा। अब हमको ये बताना है, केवल रिजल्टेंट फाइंड करने से दोस्तों हमारा काम नहीं बनेगा, हमको अब ये भी बताना है कि हमारा जो रिजल्टेंट है वो डायरेक्शन उसका क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट और रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड दोनों का दोनों साथ पूछी जाती है। ठीक, तो इसके लिए हम देखिए हम इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो है हमारा टेन थीटा हमको लेना पड़ेगा, तो किस एंगल का टेन थीटा लेंगे, ये इस एंगल का, इस एंगल के जो कोण बन रहा है ना बल पी सॉरी यहाँ पर क्यू हो रहेगा, पी तथा क्यू के बीच जो हमारा एंगल थीटा, जो हमारा थीटा का फॉर्मेशन हो रहा है, सॉरी यहाँ पर अल्फा का फॉर्मेशन हो रहा है, ये तो है फोर्स क्यू ही रहेगा, ये थीटा का फॉर्मेशन जो आर और पी के बीच में हो रहा है, इसका हम यदि टैन लेंगे तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, टैन थीटा इज इक्वल टू हमारा टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, हम जानते हैं सी डी अपान ओ डी हो जाएगा हमारा, सी डी अपान ओ डी, क्योंकि टैन थीटा इज इक्वल टू जानते हैं हम कि पी बाई बी होता है, और ये हो गया पी हमारा परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो गया बेस, परपेंडिकुलर अपन बेस का अनुपात ही तो टेन थीटा कहलाता है। ठीक, तो अब हम देखिए क्या कहलाते हैं, ये हम इतना हम लिख दिए, अब हमको क्या करना है, अब हमको सिंपल में ये करना है कि टेन थीटा को तो एज इट इज हम टेन थीटा लिख देंगे, और सी डी जो हमारा है सी डी को भी हम एज इट इज सी डी यहाँ पर लिख लेते हैं, अपॉन ये हमारा ओ डी जो है ओ डी के जगह पर यही ओ डी है, तो जब बार बार जहां भी ओ डी आएगा वहां पर हम ओ ए प्लस ए डी लिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे ओ ए प्लस ए डी। अब यहाँ पर हम टेन थीटा इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, सी डी जो है सी डी की वैल्यू क्या दी हुई है, ए सी साइन अल्फा दी हुई है, देखिए यहाँ पर ए सी साइन अल्फा दी हुई है, और ए सी क्या है, ए सी साइन अल्फा दी हुई है, और यही तो ए सी है, और ए सी क्या है क्यू ही तो है, तो एक्चुअल हमको क्या मिल जाएगा क्यू साइन अल्फा मिल गया, अपॉन यहाँ पर देखिए ओ ए प्लस ए डी के जगह पर आप देखिए ओ ए की मैग्नीट्यूड क्या है, ए डी की मैग्नीट्यूड क्या है, मैं आपको भी बता रहा हूँ ओ ए जो है यही तो फोर्स पी है, तो यहाँ पर इसके जगह पर हम फोर्स पी लिख देंगे, प्लस ए डी हमारा क्या है ए सी कॉस अल्फा है, तो ये ए सी कॉस अल्फा यहाँ पर हमने डिराइव करके इक्वेशन नंबर वन ला दिया। ठीक, यानी कि यदि हम थीटा इसका फाइंड करेंगे तो टैन इधर चला जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना, टैन इनवर्स क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस ए कॉस
अल्फा इतना यदि काम करते हैं तब जाकर के आपका जो 5 नंबर है वो एग्जामिनर 5 में से 5 नंबर आपको देगा, यदि डायग्राम में पेंसिल से है और आपने पूरे के पूरे फॉर्मूले का डेरिवेशन किया है तब। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।